सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। सड़क पर वाहन की जांच के नाम पर आपको रोके जाने पर यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि जो व्यक्ति आपकी गाड़ी की जांच कर रहा है वास्तव में वह अधिकारी है या नहीं। चौंकाने वाला ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया है, जो इस तरफ इशारा करता है कि आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा आपका ठगा जाना तय है। सोनीपत में वाहनों की जांच के लिए अधिकृत विभाग आरटीओ की टीम द्वारा बीती रात एक नकली आरटीओ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सोनीपत के कामी रोड पर एक व्यक्ति ने एक ट्रक और एक बस को रुकवाकर उनके कागजात की जांच की। युवक ने खुद को आरटीओ बताया और कागजात में कमी बताते हुए ट्रक व बस के चालान न काटने की एवज में 5,000 रुपए की राशि वसूल कर ली। यहां तक तो बात सामान्य सी लगती थी, लेकिन युवक की किस्मत उसके साथ नहीं थी। बताया जा रहा है कि जिस बस और ट्रक को रोककर युवक द्वारा जांच की गई थी, उन्हीं दोनों वाहनों को कुछ ही दूरी पर स्थित असली आरटीओ विभाग की टीम ने फिर से रोक लिया और कागजात की छानबीन की। इस जांच में वाहन चालकों ने बताया कि वे कुछ दूरी पर ही एक आरटीओ अधिकारी को सेवा शुल्क प्रदान करके आए हैं। इस पर चौकन्ने हुए विभाग के अधिकारियों की टीम तुरंत बताए हुए स्थान पर पहुंची, जहां पर नकली आरटीओ खड़ा वसूली कर रहा था। टीम द्वारा पूछताछ करने पर साफ हो गया कि वह नकली अधिकारी है। इस पर टीम ने पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये बात कल देर शाम की है। हमारी टीम ऑलरेडी चेकिंग पे थी और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति है वहाँ पर और कामी रोड की का है ये इंसिडेंट। वो ये कह रहे हैं कि वो आरटीओ ऑफिस से हैं और अपना नाम जो है वो दीपक बता रहे थे। तो क्योंकि हमारी टीम उसके पास ही थी, तो 2 ही मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब उनसे पूछा तो वो हमारे डिपार्टमेंट से लिंक नहीं थे और वो फेक थे। और जिस बस को और जिस ट्रक को उन्होंने रुकवा रखा था, जो उसके ड्राइवर थे और ओनर थे, उससे उन्होंने बात भी करी थी और शायद कुछ लोगों से उन्होंने कुछ पैसे लिए भी थे। सर, इसमें कोई गाड़ी गुड़ी भी साथ मिली, कोई बत्ती वाली गाड़ी हो या कोई इस प्रकार से डर दिखाने का प्रयास, ऐसा कुछ नहीं? उनके पास व्हीकल कोई नहीं था और वो उन्होंने यही बताया कि जो पार्टी है, जो आरटीओ टीम है, वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके आगे निकल गई है और अब यहाँ पे चेकिंग मैं ही करूँगा। तो जब हमने देखा और पाया कि वो जो व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं अपना नाम दीपक, उनका एक्चुअल नाम अमरजीत निकला आसपास से पूछताछ की, तो और फिर जब हमें यकीन हो गया कि वो इलीगली व्हीकल्स को रोक रहे हैं और फेक आरटीओ ऑफिस के एम्प्लॉय अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमने 112 डायल करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया। कल रात को ये हमें इंटीमेशन आई थी कि एक अमरदीप नाम है बंदे का, वो कामी चौक पे ऐसे ट्रक रोककर अपने आप को आरटीए स्टाफ बताकर वहाँ से पैसे ले रहा था ट्रक वालों से। तो ये हमारी संज्ञान में आया तो हमने उसको अरेस्ट किया है और प्रॉपर एफआईआर की गई है उसके अगेंस्ट। मैं कब से कर रहा था और कहाँ का रहने वाला है? सोनीपत का ही रहने वाला है और ये कामी चौक पे ही बता रहे हैं कि कुछ दिनों से ये एक्टिविटी उसकी चल रही थी। इनसे क्या रिकवरी हुई है और इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया उसने? अभी 5,000 रुपये रिकवर हुए हैं कि उसके पास से, और सुनने में आया है कि पहले भी इसने कुछ दिनों से यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा था। तो बाकी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद बता पाएंगे। हाँ जी, दस्तावेज भी कोई मिले हैं मैम? कोई आई कार्ड वगैरह कुछ ऐसा? कहाँ तक पढ़ा हुआ है? तो ये अच्छा पढ़ा हुआ है बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन की है, इनफैक्ट मास्टर्स भी किया हुआ है। प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसा बताया हो कि किन कारणों के चलते नकली आरटीओ बना? कारणों का तो जी अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इस बारे में, बट ये है कि हाँ रिकवरी हुई है इसके पास से और आसपास भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया। गाड़ी नहीं रिकवर हुई है, बस पैसे रिकवर हुए हैं। नहीं जी, अकेला ही है।